नमस्कार दोस्त, मैं सुनील शर्मा, सन डिज़ाइन स्टूडियो मंदसौर। फोटोशॉप ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फोटोशॉप की अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर आज हम करें। बात करेंगे फोटोशॉप के अंदर मोबाइल कवर कैसे डिज़ाइन करते हैं। प्रिंटेड मोबाइल कवर, जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रिंटेड मोबाइल कवर दिख रहे हैं आपको। यहाँ अपना फ़ोटो कैसे लगाते हैं और इस पर नाम कैसे टाइप करते हैं, टेक्स्ट कैसे टाइप करते हैं, इसके लिए इस टाइप का मोबाइल कवर बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम कीबोर्ड में कंट्रोल एन प्रेस करना होगा और यहाँ पर हमें विड्थ में 4 साइज लेनी होगी और यहाँ इंच सेलेक्ट करना है और हाइट में 7 और रेजोल्यूशन 200 या 300 जो भी आपको उचित लगे रख सकते हो। ये न्यू पेज क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपको ये ब्लैक दिख रहा है, इसमें आप यहाँ रूलर लाइन आती है जो आपको दिखेगी। यहाँ से व्यू में जाके ये रूलर पर क्लिक करना है। इसकी शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे आप, कंट्रोल दबा के आर दबाएंगे, कंट्रोल प्लस आर, तो वो दिखेगी आपको। तो यहाँ पर आपको ये इंच सिलेक्ट करना है, ये इंच सिलेक्ट करना है, सेंटीमीटर नहीं रखना है। यहाँ पे भी आपको इंच सिलेक्ट करके आपको यहाँ मार्जिन 2 का रखना है, यानी कि अपने को ये जगह जो ऊपर की ये इसलिए छोड़नी है कि यहाँ पर मोबाइल कवर, यहाँ पर कभी कैमरा फ्लैश या सेंसर, फिंगर सेंसर कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हमें यह जगह छोड़नी रहती है। अब हमारा जो फ़ोटो लगेगा वो इतनी जगह में लगेगा। कोई सा भी मॉडल हो आपको यही साइज लेनी है और 2 का मार्जिन छोड़कर आपको आपका फ़ोटो लगा देना है। अब हम फोटो कैसे लाएंगे, यहाँ पर सीधा सा तरीका है फ़ोटो यहाँ से फोटोशॉप में लाने का। या फाइल पे क्लिक करें और ओपन पर जाएं। ओपन पर जाने के बाद आपको जैसे कि ये फ़ोटो लगाना है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से एडिट में जाएं, सॉरी सिलेक्ट में जाएं और आल करें। आल सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाएं और इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज़ कर दें। यहाँ पर इसको फिर वापस से एडिट में जाएं और पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ट्री प्रेस करें और शिफ्ट अल्ट के साथ इसे पकड़े रखें, शिफ्ट अल्ट दबाएं और माउस की सहायता से ड्रैग एंड ड्रॉप करें। इस प्रकार इसको बड़ा करें, अब ये जो वाइट जगह दिख रही है इसमें भी इसको एक बार और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करें और इसको यहाँ पर ऐसे बड़ा कर दें। बड़ा करने के बाद ब्लर फिल्टर में ब्लर पर जाए और गुस्से ब्लर करें। हल्का सा ब्लर करने के बाद ओके करें और ये फर्स्ट लेयर को राइट क्लिक करके सिलेक्ट करें और कीबोर्ड में ई दबा के इरेज टूल ले, या ये वाला टूल, इरेजर टूल ले और यहाँ ओपेसिटी में 60 रखें और इसको हल्का हल्का माउस की सहायता से ऐसे चलाएं, जिससे कि ये मालूम नहीं पड़ेगा आपका कि आपने यहाँ पर क्या किया है। इसको हल्का हल्का मिटा दें, जो खाली जगह रहती है यहाँ इसको ब्लर किया है। अब ये जो हमारे 2 लेयर है, ये हमारा कवर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ इस पर टेक्स्ट टाइप करना है, टेक्स्ट या कुछ भी नाम वाम लिखना है तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमको यहाँ से टूल बार से टिक टूल लेना है। लेने के बाद यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से किस फॉन्ट में लिखना है, यानी कि आपको हिंदी भाषा में लिखना है, यानी कि आपको ये लिखना कि जय श्री राम, इस टाइप से आप टाइप कर सकते हैं या लिख के या ऊपर नीचे कहीं पे भी आप सेट कर सकते हैं। इसको सेट करने के बाद इसमें
इसका कलर चेंज करने के लिए आप कंट्रोल प्लस टी दबाएं, पहले इसको सिलेक्ट करें, टी दबा के कंट्रोल ए करिए, फिर कंट्रोल प्लस टी दबा, और कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ से रेड ग्रीन कोई सा भी आप कलर ले सकते हैं, इसका शब्दों का जो आपको अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेट करने के बोल्ड, इटालिक, उनकी जो भी फॉन्ट की साइज बड़ी करनी है तो बड़ी भी कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है इसका, ये आप कहीं पे भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसा भी आपको उचित लगे इस टाइप से भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं आप, जहाँ आप चाहें वहाँ इसको लिख सकते हैं, और इसको सेव कर ले जेपीजी में, कंट्रोल दोनों लेयर एक करके कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई दबा के सेव करें इसको। सेव करने के लिए आपको फाइल में जाएं, फाइल में सेवस, सेवस पर क्लिक करें, और जो भी आपका मॉडल है वो नाम देके वीवो V91 ये नाम दिया अपन ने, इसको सेव कर लिया। अब आपको इसको जिससे भी इसको प्रिंट करवाना है, इस पर मेल ये व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट कुछ भी कर सकते हैं आप, हमसे भी प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट करवाने के लिए मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।